अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये था शाम का टाइम और है ना, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं घर में बिरयानी बनाऊँ, मगर है ना इतना वक्त नहीं मिल पा रहा था क्योंकि है ना बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उसी में लगी हुई हूँ मैं, तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मगर है ना बिरयानी के लिए मेरा दिल इतना वो हो रहा था ना कि बस मैं कैसे भी बिरयानी खा लूँ। बाहर से मिलती है मगर वो इतनी खास नहीं लगती, जो घर में बनती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये है ना रात के टाइम मेरे हस्बैंड गोश्त ले आए थे, तो ये 1.5 किलो गोश्त था जिसके मैंने 4 पैकेट बनाए थे। ये 4 पैकेट मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते, मैं भी इतना खास शौक से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। इसकी जो ग्रेवी होती है उससे हम लोग रोटी चावल खा लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने है ना रख दिया था। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये वीडियो मैंने है ना एक दिन पहले स्टार्ट किया हुआ था। तो ये अब मैं आई हुई हूँ चिकन लेने के लिए क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। मैं है ना बहुत दिन से ट्राई कर रही थी चिकन बिरयानी बनाने का, तो मुझे मौका मिल गया चिकन बिरयानी बनाने का। तो ये मैंने ना चिकन वगैरह साइड में रख दिया था और ये बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे सारे। मुझे लगा बहुत थोड़े से बर्तन हैं मगर ये धोते धोते पूरा किचन टेबल भर गया था, तो सब मैंने क्लीन वगैरह कर लिया था। तो उसके बाद मैं अभी है ना नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं जब जल्दबाजी में होती हूँ ना अक्सर, तो मैं है ना हमेशा अंडा ही बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत ही क्विक बन जाता है। तो मैं और मेरा बेटा है ना अंडा पाव खाने वाले हैं, और मेरा बेटा है ना स्कूल से जल्दी आ जाता है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12 बजे के करीब वो आ जाता है। तो चाय वगैरह तो मैं पी लेती हूँ जल्दी सुबह में बेटी को स्कूल पहुँचाने के टाइम पर, छोड़ने के टाइम पर। तो नाश्ता वगैरह थोड़ा लेट करती हूँ मैं। तो ये मेरा बेटा और मैं ना अभी अंडा खा रहे हैं। ये सिंपल अंडा बहुत अच्छा लगता है। ये मैं जो अपने लिए अंडा बनाती हूँ ना उसमें ऑयल बहुत कम रखती हूँ मैं, है ना आप लोगों को भी बोलूँगी हर चीज़ में ना ऑयल कम रखिए, ज़्यादा मत खाइए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और है ना हम लेडीज़ को ना अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये ऑयल वगैरह कम करेंगे ना तो थोड़ा ही हेल्प हो जाएगी। अब ये है ना मैंने इस पर डाली है काली मिर्च और नमक मैंने पहले ही डाल लिया था। तो फ्रेंड्स, मैंने और मेरे बेटे ने ना नाश्ता कर लिया था, तो अब ये मैं आई हूँ बिरयानी का सब सामान निकालने के लिए। मैं सब इकट्ठा कर रही थी जो जो मुझे सामान लगना था बिरयानी में, तो जो कम था ना तो मैं एक दिन पहले मैंने भर लिया था क्योंकि अक्सर मैं है ना बाज़ार शाम के टाइम जाती हूँ, दोपहर के टाइम नहीं जाती। तो शाम के टाइम जाओ ना थोड़ा ठंडा भी रहता है, इतनी धूप वगैरह नहीं रहती। और अब तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई में कितनी गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी वापस हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है इतनी ख़ास। तो ये है ना मैं मसाला पीसने के लिए आई हूँ। मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, इन सबको है ना मैं एक साथ पीस लूँगी। अदरक भी मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि ये 1 किलो गोश्त है, चिकन है, ये पूरा 1 किलो चिकन है। इसको है ना मैंने बाहर निकाल के रख लिया था, तो ये है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा होना बाकी था। तो इसको मैं ना पानी में अच्छे से धो लूँगी, खूब अच्छे से धोना है, 3 से 4 पानी में धोना ही धोना है। और सभी धोते होंगे और कुछ कुछ लोग तो 60 टाइम धोते हैं पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मैंने देखा है आंखों से इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बात। 7 टाइम मतलब कहते हैं कि है ना 7 टाइम धोना चाहिए। आप लोग ना मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ऐसा कुछ रूल है क्या 7 टाइम धोने का, कि 7 टाइम धो ये सब चीज़ें। अगर ऐसा कुछ है तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी करूँगी अगर ऐसा कोई है तो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ना चिकन ले लिया था, ये पूरा पानी वगैरह इसका निकाल दिया था। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, ये दही मैंने इसमें डाल दी है, ये 1.25 कप के करीब दही है, तो ये मैंने दही इसमें डाल दी है। और ये मसाले हैं लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, स्टार अनीस, और ये है दालचीनी, और काली मिरी भी है, ज़ीरा भी है, कस्तूरी मेथी भी है, और तेज़पत्ता भी है, और कड़ी पत्ता डाला है इसमें मैंने थोड़ा, और ये जो मैंने अदरक लहसुन पीसा हुआ था ना वो सारा इसमें मैं डाल लूँगी। ये है ना बिरयानी है ना चटपटी अच्छी लगती है। वैसे मैं चावल ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, तो इसलिए चावल ज़्यादा रखती हूँ। अब ये मैंने लिया है नमक, हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्ची की बुक्की, और ये है गीगानी मसाला जो बिरयानी का मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको इसमें मैंने गोल शेप में कट कर लिया है। अब मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है, खूब अच्छे से हर एक गोश्त पर, हर एक बोटी पर लग जाना चाहिए सारा मसाला, जब जाके टेस्ट है ना इसका निकल के आता है। ये बहुत मज़े की बनती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोज़ में भी बहुत टाइम बताई हुई है
ये बिरयानी, मगर इस बार मैं जो बिरयानी बता रही हूँ ना, ये तय वाली बिरयानी कहते हैं। मेरी अम्मी तय वाली बिरयानी कहती थी, तो इसलिए मैं भी वही बोल रही हूँ। जैसे कि है ना बॉम्बे बिरयानी होती है ना, वैसी बिरयानी है ये। तो अब इसको है ना मैरिनेट करके रख देना है, 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए आप। और ज़्यादा देर रखना है तो फ्रिज में रखना है। अब ये मैं है ना कांदा काट रही हूँ, ये मैं हाथ से कांदा काट रही हूँ, क्योंकि है ना ये मैं जो हाथ से काटती हूँ ना, तो ये बहुत बारीक कटता है और इससे है ना बेस्ता बहुत बेस्ट बनता है बिरिस्ता। अगर मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख के काटती हूँ ना, तो इतना फाइन चॉप नहीं होता है, तो इसलिए हाथ से कट करना मुझे बेस्ट लगता है। तो ये मैंने ना कांदा कट कर लिया था। तो अब ये मैंने ली हुई है कढ़ाई और चूल्हा चालू कर दिया है, बस इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, 2 से 2.5 वाटी भर के से मैंने तेल डाला था। और ये है घी, डालडा घी, मेरे घर में कभी नहीं आता। मैंने अपने बेटे से एक टाइम घी मंगाया था, तो बच्चे को दे दिया था उन्होंने। बच्चों से कुछ भी मंगाओ ना तो वो लोग कुछ भी उठा के दे देते हैं, तो मैंने सोचा लाओ इसमें यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने जितनी प्याज काटी थी ना, 3 से 4 प्याज काटी थी, वो सारी प्याज इसमें हमें डालनी है। अच्छे से भूनना है, पूरा बिरिस्ता बनाना है, जैसे बिरिस्ता बनता है सेम वैसे ही बिरिस्ता बनाना है। अच्छे से चम्मच चलाते रहना है, और मैं हमेशा जल्दी में होती हूँ तो नमक डाल लेती हूँ, तो जिससे बिरिस्ता और जल्दी से बन जाता है। तो ये माशाल्लाह से बिरिस्ता बन के रेडी था। तो अब इसको मैं है ना एक प्लेट में निकाल लूँगी साइड में। जब बिरिस्ता ये कलर का हो जाता है ना, तो मैं ना चूल्हे की फ्लेम है ना ऑफ़ कर देती हूँ, चालू नहीं रखती हूँ। अक्सर बाई चांस ऐसा होता है कि हम चालू रख देते हैं और वो पकता रहता है, तो फिर बिरिस्ता है ना ज़्यादा काला हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ये बटाटे मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, तो बटाटे फ्राई करके डालती हूँ, क्योंकि है ना फ्राई किए हुए जो बटाटे होते हैं ना, उनका टेस्ट अलग होता है। ऐसे ही हम जब नॉर्मल डाल देते हैं ना, तो उनका टेस्ट अलग होता है, और फ्राई किए हुए बटाटों का ना अलग टेस्ट होता है। ये आप लोग भटियारों को भी देखते होंगे ना, वो लोग भी ऐसे ही फ्राई करके डालते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से गोल्डन कर लिया था, बटाटों को गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसको ऐसे इसमें हमें गलाना नहीं होता है, बस थोड़ा सा कलर देना होता है, जिससे कि टेस्ट अच्छा है। जब बिरयानी में हम इस तरीके का बटाटा खाते हैं ना, तो टेस्ट अच्छा आता है। तो ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, तो उसी कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह और बिल्कुल नहीं डाला एक्स्ट्रा, मुझे वो तेल भी ज़्यादा लग रहा था। मैंने सोचा बिरयानी है, लगता है कोई बात नहीं। तो ये सारा मैंने चिकन किया हुआ, मैरिनेट किया हुआ चिकन ना सारा इसमें डाल लिया है। तो बस अब इसको है ना हमें अच्छे से चम्मच चलाना है, ऊपर नीचे करना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अब इसमें है ना ज़्यादा काम नहीं होता है, बिरयानी ना बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, बहुत आसान तरीके से बनती है। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है। ये बीच में मैंने आके है ना चेक किया है, तो देखिए पानी आपको कितना दिख रहा होगा ना इसमें। मैंने पानी बिल्कुल पानी नहीं डाला था इसमें, इसमें है ना खुद ही पानी छूटा है, दही का, टमाटरों का, गोश्त का, सबका पानी छूटा है। अब ये है ना पूरी तरह से भुनने वाला था, थोड़ा बाकी था, तो इसमें मैंने बटाटे डाल लिए हैं, कि जिससे कि है ना बटाटे भी अच्छे से गल जाए, कच्चे ना रहे। तो इसलिए मैं ये वाले स्टेज पर है ना बटाटे डाल लेती हूँ। तो अब इसको भी अच्छे से हमें चम्मच चलाना है खूब। आपको दिख रहा होगा कि ये भूनने वाला है, तेल सेपरेट हो जाएगा, मसाले भून जाएंगे, तो ये मसाला रेडी हो जाएगा। तो बस इसको अब मैं चम्मच चला रही हूँ अच्छे से, और तेल भी सेपरेट होना लग गया है। तो अब ये है ना मैंने साइड पे बिरयानी के चावलों के लिए पानी रख दिया था, तो अब इसमें मैंने ना 2.5 गिलास के करीब चावल भिगा के रख दिए थे साइड में 1/2 घंटा पहले। और इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है, क्योंकि जितने मैं गरम मसाले लाई थी ना, मैंने वो सारे गरम मसाले फेंक दिए बाय मिस्टेक मुझसे हुआ है, वो सारे मसाले काली थैली में ही थे तो वो चले गए। खैर कोई बात नहीं। अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच भर के है ना नमक डाल दिया था, और इसको अब मैंने ढक के रख दिया है। अब ये मैं साइड पर आई हूँ, इसको थोड़ा जो हम कोथमीर, पुदीना, लाल मिर्ची, बिरिस्ता वगैरह डालते हैं ना, तो वो सब करने के लिए आई हुई हूँ मैं। तो ये मैं पुदीना साफ़ कर रही हूँ। ये साफ़ वगैरह करने के बाद ना इसको मैं अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इनमें। तो इसको मैं 2 से 3 पानी में मैंने ना इसको धो लिया था, और ऐसे ही रफली चॉप किया था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका था पूरी तरीके से। तो ये चावलों का पानी मैंने निकाला, अब इसके ऊपर से मैं सारा जो मसाला मैंने भुना था ना चिकन का, वो सारा इसमें डाल लूँगी मैं। ये डालने का तरीका आप सभी जानते हैं कि हर जगह जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो कुछ कुछ लोग बटाटे सेपरेट रखते हैं और कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है। जितना भी मैंने चिकन बनाया था ना, वो सब इस पे डाल दिया है। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ बिरिस्ता, जो कि मैं देगी बिरयानी में भी इसी तरीके से बनाती हूँ, और ये लेयर वाली बिरयानी में भी इसी तरीके से करती हूँ। तो ये जितना भी बिरिस्ता था वो सारा मैंने डाल दिया है। और ये जो मैंने हरी मिर्ची ली है, 6 से 7 मिर्ची है, इसको बीच में से स्लेट किया है, और ये ऊपर से मैंने डाल ली है। ये बारीक कोथमीर और पुदीना कट करके इसमें मैं डाल रही हूँ।
ये पुदीना और कोथमीर से ना बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारा मैंने इसमें डाल लिया था। अब ये मैं डाल रही हूँ झोल। ये मैंने बहुत से पहले रेसिपी में अपने बताया हुआ है, जब मैंने बिरयानी की रेसिपी बताई थी। ये दही है और उसमें मसाले होते हैं, ये भटियारे लोग यूज़ करते हैं तो मैं भी यूज़ करती हूँ। इससे टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी होती है। अब ये जो चावल बनाए थे ना, ये ऊपर से डाल लेने हैं हमें थोड़े चावल। ये मैं ऊपर चावल ज़्यादा रखती हूँ, नीचे कम रखती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे थोड़ा सादा खाते हैं तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। और ये जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ था ना, तो वो सारा तेल मैं ऊपर से ऐसे डाल दूँगी, जिससे कि अच्छा कलर भी आए और ये तेल भी वेस्ट ना हो और खाने में ना पूरा तेल अच्छे से मिल जाए, क्योंकि बिरयानी है, ये सब खाने हैं ना, इन सब से ही अच्छे लगते हैं तेल वगैरह से। तो ये मैंने अब ढक के रख दिया है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए चूल्हे पे धीमी आंच पर चढ़ा दूंगी, जिससे कि ये चावल भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। चावल मैं हमेशा है ना 98% तक पका लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह से अब मैं चेक करने आई हूँ। देखिए माशाल्लाह से मेरी बिरयानी बन के रेडी है। या ना कहते हैं ना, जो खाना हम चाहें या फिर हम जो करना चाहें वो हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है ना। तो वैसे ही जब मैंने बिरयानी खाई थी ना, मुझे बहुत सुकून मिला था सच में। ये खाने है ना बहुत हैवी होते हैं, मगर है ना, मतलब जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो अगर खाए, अगर उसको वो मिल जाए तो वाकई में सुकून मिल जाता है। तो मुझे है ना बिरयानी खा के माशाल्लाह से बहुत सुकून मिला था, मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से बिरयानी की रट लगाई हुई थी मैंने। तो ये अब मैं प्लेट में निकाल के आपको बता रही हूँ ट्रे में। तो ये माशाल्लाह से बिरयानी आपने देखा कितनी झटपट बनी है और बहुत ही जल्दी तरीके से बनी है और आसान तरीके से बनी है, आपने देखा है। तो ये सारे चावल मैंने इसमें निकाल लिए हैं। तो ये माशाल्लाह आपको दिखने में कितनी टेस्टी दिख रही है ना, ये जितनी टेस्टी दिख रही है ना उतनी टेस्टी बनी हुई थी। तो मैंने और मेरे बच्चों ने, तो हम लोगों ने खा लिए थे। मेरे हस्बैंड ना बेचारे 6:30 बजे के करीब आए थे, शाम के वक्त आए थे, तो अब ये वो खा रहे हैं। तो वही हम उनके साथ बैठे हुए हैं, ऐसे ही होता है हस्बैंड लोगों का, कभी भी खाते हैं बेचारे। हम लोग तो टाइम पर खा भी लेते हैं, उन लोगों को बेचारों को कहाँ टाइम पर मिलता है। तो उनके साथ मैंने भी एक निवाला ले लिया था, मेरे बच्चे भी बैठ रहे थे, मैंने भी उनको कहा कि खाना ला देती हूँ तुम लोग और खा लो। तो नहीं मम्मा अभी नहीं, बाद में, क्योंकि जब बिरयानी बनती है ना तो दिन भर मेरे बच्चे है ना खाते रहते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो ये हमने ना सबने खाना वगैरह सब खा लिए थे। तो ये मेरे हस्बैंड लाए हुए थे अनार। ये अनार ना हमेशा कट करके लेना चाहिए, हम लोग जब भी अनार खरीदते हैं ना कट करके खरीदते हैं, क्योंकि ना दुकान वाले नहीं देते हैं कट करके, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा है वो अनार बड़ा हो या फिर छोटा, क्योंकि अभी तो मार्केट में छोटे छोटे ही अनार आ रहे हैं। तो कट करके लेंगे ना तो अंदर से कीड़ा है, गंदा है, वो दिख जाता है। तो इस तरीके से कट करके लेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होता है, वो लोग तो ऐसे ही देना रहता है, उनको अपना सामान बेचना होता है। तो ये लोगों ने ना सबने छील लिए थे अनार। मुझे छीलना बहुत बोर लगता है तो मैंने उन लोगों को दे दिया। तो अब मैं ना ये पतीली में निकाल के ना धो लूँगी, खूब 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद बच्चों को मैंने दिए और कुछ डब्बे में भर के रख दिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपी, अपनी फैमिली रूटीन, डेली रूटीन सब आपसे शेयर करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स। तो अब ये मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए एक बाउल में, कि चलो खा लेंगे अब वो लोग। और ये अनार है ना चेक करके खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं होता। इसमें मेरे बच्चे ने ना खाते खाते 2 से 3 कीड़े निकाले थे। चेक करके खाइए आप लोग भी, इतना धोने के बाद, इतनी साफ़ सफाई हम करते हैं घरों में सब, फिर भी इतनी गंदगी निकलती है, तो फिर भी चेक करके खाइए। मेरे बेटे ने 2 से 3 कीड़े निकाले थे, मैं हैरान हो गई थी सच में। तो अब ये मैं है ना डब्बे में भरने लगी हूँ, कि जब भी लगेगा बच्चों को टिफ़िन में देने में या फिर ऐसे ही खाने के लिए, तब ये मैं है ना डब्बे में अपने भर के रख लूँगी। नीचे रखूँगी, मतलब फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रीज़र में तो जम जाएंगे। तो अब ये माशाल्लाह से मैंने पूरा डब्बा भर दिया था, दूसरा वाला आधा डब्बा भरा था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।